हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर फ्रेंड्स बोलता है। अनिका मुस्कुराकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, फ्रेंड्स। गौरव बोलता है, वैसे तुम्हें भाई से डर नहीं लगता क्या? सीधे उनके मुँह पर बोल देती हो, गलती आपकी थी। अनिका बोलती है, इसमें डरना कैसा, सही को सही और गलत को गलत तो कहना ही चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। और वैसे भी सर मुझे खा थोड़ी जाएंगे। फिर अनिका ये बोलकर अपने हाथ में फाइल को देखते हुए बोलती है, ओह मैं तो भूल ही गई, तुम ये फाइल देख लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है ना। गौरव फाइल को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, एक बात बताओ, मेरा भी आज पहला दिन है तो मुझे नहीं पता इन फाइलों के बारे में, तुम ना ये फाइल भाई को ही दिखा देना। अनिका उसकी बातों पर हंस पड़ती है और बोलती है, ओके ओके मैं जाती हूँ, इससे पहले कि वो सड़ू फिर से आ जाए। वो गौरव की तरफ देखकर अपना निचला होठ दांतों तले दबा लेती है। इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी। गौरव बोलता है, वाह क्या नाम रखा है मेरे भाई का, सड़ू। भाई को बता दूँ क्या? वो मुस्कुराकर अनिका को देखते हुए बोलता है। अनिका अपनी छोटी आँखें करके उसे घूरती है, फिर अगले ही पल बोलती है, बता दो मैं भी बता दूंगी कि तुम काम करने की बजाय फ़ोन में गेम खेल रहे थे। ये बोल वो मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। गौरव उसको जाते हुए देखकर मन में बोलता है, बाप रे ये तो मुझसे भी एक कदम आगे है, इतनी दूर से देख लिया कि मैं गेम खेल रहा हूँ। दूसरी तरफ दृष्टि अपनी बालकनी में कुर्सी पर बैठी थी। कितना हिम्मत करके वो कल बाहर गई थी और बाहर जाकर फिर से करण की यादों को साथ ले आई। उसकी भाभी उसके पास जाकर उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए बोलती है, लो चाय पी लो। दृष्टि कप पकड़ लेती है तो उसका हाथ अपनी भाभी के हाथ से टच हो जाता है और वो बोलती है, भाभी आपको बुखार है, दवाई नहीं ली आपने? मयूरा बोलती है, नहीं अभी नहीं ली, शाम को जाऊंगी तेरे भाई के साथ। दृष्टि खड़े होते हुए बोलती है, भाभी भाई के आने तक आप ऐसे ही रहोगी, चलिए मेरे साथ जल्दी कीजिए। मयूरा बोलती है, ठीक है चल। दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ 4 बजे के करीब अर्जुन वापस आता है और कैबिन में जाकर गौरव से कहता है, काम हो गया? गौरव कहता है, जी भाई। अर्जुन बोलता है, जा बाहर, तेरे दोनों आवारा दोस्त खड़े हैं, घर जाने के टाइम से पहले आ जाना। गौरव खुश होकर अर्जुन को गले से लगा लेता है, भाई आप ना बेस्ट भाई हो। अर्जुन उसके बाल बिगाड़ते हुए बोलता है, चल चल सब समझता हूँ मैं, जाब। गौरव खुश होते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद पियून चाय लेकर कैबिन में जाता है और चाय रखकर जाने ही लगता है। अर्जुन पीछे से उसे बोलता है, सुनो मिस अनिका को अंदर भेजना। पियून बोलता है, जी सर। अनिका ये सुनकर मन में कहती है, अब क्या हो गया, ये सड़ू पक्का मुझे डांटने के लिए बुला रहा होगा, हे भगवान बचा लेना मुझे। अनिका मन ही मन भगवान को याद करती हुई बोली जा रही थी। फिर वो कैबिन की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मैं कमीन सर। अर्जुन चाय की सिप लेते हुए बोलता है, कमीन। अनिका एक गहरी सांस लेकर अंदर आती है। अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, फाइल दो। अनिका उसके सामने फाइल रख देती है। अर्जुन फाइल खोलकर देखने लगता है और बोलता है, गुड वर्क। अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोलता है, बक बक करने के अलावा काम भी अच्छा कर लेती हो। अनिका की मुस्कान गायब हो जाती है और वो मन में कहती है, ये तारीफ है या बेइज्जती, खैर छोड़ो, इस सड़ू से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अर्जुन उसको 3-4 फाइलें और पकड़ाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें काम समझने की ज़रूरत है, जाओ जाकर फाइल्स कंप्लीट करो। अनिका बोलती है, ओके सर, और वो ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि और मयूरा वापस घर जा रहे थे। मयूरा दृष्टि से बोलती है, दृष्टि रुक ना, मुझे एक दो सामान भी लेना है, अब इधर आ ही गए हैं अब लेकर ही चलते हैं ना, यही पास में ही है। दृष्टि बोलती है, जी भाभी। गौरव अपने दोस्तों के साथ वहीं से गुजर रहा था। मयूरा दुकान के अंदर चली जाती है और दृष्टि वहीं बाहर खड़ी रहती है। गौरव की गाड़ी उसी दुकान के सामने आकर बंद पड़ जाती है। गौरव बाहर निकल कर बोलता है, इस गाड़ी को क्या हुआ अब? फिर वो गाड़ी को चेक करता है। दृष्टि की नज़र उस पर पड़ती है। वो गौरव का चेहरा
भूल नहीं पाई थी। कल वाली घटना उसके दिमाग में घूम रही थी। मयूरा बाहर आती है और वो बोलती है, चल दृष्टि। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अचानक से मयूरा को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। दृष्टि बोलती है, भाभी भाभी क्या हुआ आपको, समबडी प्लीज हेल्प। गौरव की नज़र उन पर पड़ती है। वो भागकर उनके पास जाता है और लोग भी आ जाते हैं। गौरव दृष्टि को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ इनको। दृष्टि उसकी तरफ देखकर बोलती है, पता नहीं चलते चलते बेहोश हो गई। गौरव मयूरा को गोद में उठाते हुए बोलता है, चलिए इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं। दृष्टि मेहुल को फ़ोन करती है और बोलती है, भाई भाभी बेहोश हो गई हैं, अब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। पहले तो गौरव की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर अचानक से उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दृष्टि अपनी भाभी के साथ पीछे बैठी थी। शीशे में से उसका चेहरा दिख रहा था, जिस पर ना जाने कितनी चिंताएं दिख रही थी। गौरव उसके चेहरे को देखते हुए मन में बोलता है, मैंने इन्हें कहीं देखा है, पर कहाँ, याद क्यों नहीं आ रहा। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर मयूरा को अंदर ले जाते हैं। दृष्टि बेचैनी से बाहर चक्कर काट रही थी। गौरव उसको एक टक देख पहचानने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था और अनिका का काम भी। वो अर्जुन के कैबिन में जाकर बोलती है, सर ये फाइल्स कंप्लीट हो गई है। सो अर्जुन जो उस समय खिड़की पर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था, उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, टेबल पर रख दो और जाओ, कल लेट नहीं होना चाहिए। अनिका फाइल रख कर चली जाती है और फिर बाहर आकर अपना पर्स उठाकर घर के लिए निकल जाती है। अनिका बाहर निकलती है तो उसके मामा जी बाहर ही खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो भागकर उनके पास जाकर नॉन स्टॉप बोलने लगती है। ऊपर खिड़की पर खड़ा अर्जुन उसको देखकर बोलता है, कचड़ कचड़ कितना बोलती है। ये बोल वो वापस आकर अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेहुल भी आ गया था। मेहुल गौरव के पास जाकर बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी वाइफ को हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए। गौरव बोलता है, प्लीज़ सर शर्मिंदा मत कीजिए, मैं नहीं लाता तो कोई और ले आता, प्लीज़ सर परेशान मत होइए। दृष्टि के दिमाग में उसकी बातें घूम जाती है, मैं नहीं लाता तो कोई और लाता। और वह मन में सोचने लगती है, ऐसे तो मेरा करण बोलता था। गौरव मेहुल से बोलता है, ओके अब मैं चलता हूँ, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना। मेहुल बोलता है, नहीं नहीं तुम जाओ। गौरव एक नज़र दृष्टि को देखता है फिर चला जाता है। दृष्टि बस उसे जाते हुए देखती है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेहुल और दृष्टि दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों जल्दी से मयूरा के पास जाते हैं। गौरव जल्दी से ऑफिस की तरफ चला जाता है और फिर वहाँ से दोनों भाई घर के लिए निकल जाते हैं। अनिका भी घर पहुँच गई थी और उसकी नॉनस्टॉप बकबक चालू ही थी। पहला दिन ऐसा गया, मैंने ये किया मैंने वो किया, सब बातें वो अपनी मामी को बता रही थी। इधर दोनों भाई घर पहुँच जाते हैं तो घर पर रेखा जी बैठी थी, जो कि अर्जुन के लिए रिश्ता लेकर आई थी। सावित्री जी, रेखा जी और गायत्री बाहर सोफे पर ही बैठे थे। अर्जुन और गौरव दोनों अंदर आते हैं। रेखा जी को देखकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि ये ज़रूर रिश्ता लेकर आई होंगी। गौरव अर्जुन को छेड़ते हुए बोलता है, लो भाई आ गई आपका बैंड बजाने, मतलब शादी वाला बैंड। अर्जुन उसकी तरफ घूर कर देखता है। गौरव अपनी हंसी पर रोक लगाता है। दोनों आगे बढ़कर रेखा जी के पैर छू लेते हैं। रेखा जी बोलती है, जीते रहो खुश रहो और दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। रेखा जी बोलती है, अर्जुन बेटा इस बार तो मैं बहुत अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हूँ, बस तू हाँ कर दे। अर्जुन एक ठंडी आह छोड़कर बोलता है, मुझे शादी नहीं करनी है। ये बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। रेखा जी सावित्री की तरफ देखती है, ये देख कहा था ना मैंने ये हमेशा ऐसा ही करता है, अरे कितने अच्छे अच्छे घर के रिश्ते इसने ऐसे ही ठुकरा दिए, तू बात क्यों नहीं करती अर्जुन से। गायत्री उनकी बातों पर ध्यान ना देकर गौरव से बोलती है, गौरव क्या हुआ आज ऑफिस में। गौरव खींचते हुए बोलता है, मम प्लीज बच्चा नहीं हूँ मैं जो आपको एक एक मिनट की रिपोर्ट दूंगा। ये बोल वो गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। गायत्री उसको जाते हुए देखते हुए बोलती है, मुझे पता है ये किसकी भाषा बोल रहा है। और ये बोलकर गायत्री भी अपने कमरे में चली जाती है।
सावित्री जी बोलती है, देखा तूने रेखा, बस यही वजह है जो मेरा अर्जुन शादी नहीं करना चाहता। इस घर में उसकी पत्नी को कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा। रेखा जी बोलती है, वक्त के साथ सब ठीक होगा, पर अर्जुन की उम्र निकल रही है, लड़की बहुत अच्छी है, तू अर्जुन से बात कर। सावित्री जी बोलती है, अर्जुन से पहले मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन के लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी खामोशियों को भी समझ सके, मेरे अर्जुन के दर्द को समझ सके। इधर अनिका अपने कमरे में थी और आज भी नींद में उसको अर्जुन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कल लेट नहीं होना चाहिए। वो खींचते हुए उठ जाती है, क्या मुसीबत है, ये सड़ू तो पीछे ही पड़ गया है, ना दिन में चैन लेने देता है और ना ही रात में। वो तकिया अपने कानों में रख कर फिर से लेट जाती है। अनिका को फिर भी नींद नहीं आ रही थी और उसे अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो बोलती है, समझता क्या है खुद को, जब देखो तब, एक ही बात, लेट नहीं होना चाहिए। आह क्या मुसीबत है, इधर मेरी नींद उड़ी पड़ी है। उफ, ये सब सोचते हुए वो ज़बरदस्ती आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ गौरव अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था, पर आज उसके ख्यालों में अनिका नहीं आ रही थी, दृष्टि ही घूम रही थी, मैंने कहीं तो उसे देखा है पर कहाँ, लेकिन मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। अपने सारे विचारों को झटक कर वो पेट के बल उल्टा लेट जाता है और सो जाता है। अर्जुन भी अपने कमरे में था और सावित्री जी उसके पास जाती है और बोलती है, अर्जुन मेरे बच्चे मेरे पास तो आ ज़रा। अर्जुन बोलता है, दादी अगर आप शादी को लेकर आई हैं तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। सावित्री जी बोलती है, अरे नहीं करवा रही तेरी शादी, इधर तो आ मेरे पास। सावित्री जी बिस्तर पर बैठते हुए ये सब बोल रही थी। अर्जुन उनके पास जाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सावित्री जी उसका चेहरा देखते हुए मन में कहती है, तू कब इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला, मेरा बच्चा कितना अकेला है, अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता। हे भगवान, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कोई तो ऐसा भेज दो जो इसे समझ सके, इसकी खामोशियों को समझ सके, जो इसे हंसना बोलना सिखा दे, कोई तो खुशी भेज दो इसकी ज़िंदगी में। और ये सब मन में सोचते हुए उनका दिल भर जाता है और आंसू बहकर अर्जुन के चेहरे पर गिरते हैं, जिन्हें वो जल्दी से साफ कर देती है ताकि अर्जुन की नींद ना खराब हो। इधर दृष्टि के घर पर कई महीनों बाद खुशी आई थी, सब लोग बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, मेहुल और मयूरा की शादी को 5 साल हो गए थे, वो कब से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे और आज जाकर उन्हें ये खुशी मिली थी। दृष्टि भी बहुत खुश थी, पर आज उसका दिमाग भी गौरव की बातों में उलझा था, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरे करण की तरह कैसे, इसी कश्मकश में उसे नींद आ जाती है। करण के जाने के बाद ये पहली ऐसी रात थी जब दृष्टि बिना रोए सोई हो। अगली सुबह अर्जुन आज जल्दी ऑफिस चला गया था, गौरव अभी घर पर ही था। उधर अनिका रात भर सो नहीं पाई और अब उसे नींद आ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है, ब्लैक कलर का टॉप, ब्लू कलर का जींस और कजरारी आंखें और बालों की एक लट गालों को छूने के लिए छोड़ दी थी। आज बहुत ही ट्रैफिक था, आज तो वो पूरे 20 मिनट लेट हो गई थी। वो मन में बोलती है, बचा लेना भगवान आज उस सड़ू से, आज तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। ये सोचते सोचते वो ऑफिस पहुँच जाती है। वो अंदर जाने ही लगती है कि पीछे से गौरव की आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग अनिका। अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो गौरव की नज़रें ठहर जाती है उस पर। अनिका हल्की सी स्माइल करके बोलती है, गुड मॉर्निंग। ये बोल वो जल्दी जल्दी अंदर जाती है और भगवान का नाम लेकर अर्जुन के कैबिन के दरवाजे को नॉक करके बोलती है, मैं आई कम इन सर। अर्जुन नज़रें उठाकर देखता है, फिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है, कम इन मिस लेट लतीफ़। अनिका अंदर आती है और बोलती है, सॉरी सर। अर्जुन बोलता है, सॉरी सर, बस यही बोल सकती हो तुम, तुम्हें पता है ना मुझे लेट आने वाले एम्प्लॉय बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये सब बहुत ही गुस्से में बोलता है। अनिका मन में बोलती है, रात को भी तो चैन से सोने नहीं देते और सुबह आते ही फिर शुरू हो जाता है। अनिका गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है और कुछ बोलती नहीं। अर्जुन उसको देखकर अपने गुस्से पर काबू करते हुए उसके सामने कुछ फाइल्स रखते हुए बोलता है, इन्हें कंप्लीट करो। अनिका बोलती है, ओके सर, और वो जल्दी से फाइलें उठाकर बाहर चली जाती है और मन में बोलती है, बच गई, और अपनी जगह पर जाकर काम करने लगती है। कुछ देर में गौरव अंदर आता है और अर्जुन के पास जाकर बोलता है,
गुड मॉर्निंग भाई, आज आप मुझे लिए बिना ही आ गए। अर्जुन उसकी तरफ देखे बिना, रोज़ रोज़ मैं तुम्हारे कारण लेट नहीं हो सकता, बैठो और काम करो चुपचाप। गौरव बोलता है, क्या करूं? अर्जुन फ़ोन कान पर लगाकर बोलता है, साहिल कैबिन में आओ। साहिल कैबिन में आता है और बोलता है, यस सर। अर्जुन गौरव की तरफ देखकर बोलता है, साहिल को तो तुम जानते ही हो, बस अब तुम इसी के साथ काम करोगे और इससे काम सीखोगे भी, वो भी पूरा मन लगाकर। गौरव बोलता है, जी भाई। अर्जुन बोलता है, और हाँ, रोज़ शाम को 2 घंटे तुम बाहर जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। गौरव खुश होते हुए अर्जुन को गले लगा लेता है। साहिल और गौरव चले जाते हैं और अर्जुन अपना काम करने लगता है। ऐसे ही दोपहर हो गई थी और अनिका को बहुत नींद आ रही थी। 2 रातों से वो ठीक से सोई नहीं थी। 2 बार तो जाकर वो मुँह धोकर आई थी, पर फिर भी उसे नींद आ रही थी। पर नींद है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका अपनी फाइल्स कंप्लीट करके अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन फाइल्स देखते हुए बोलता है, ठीक है। अनिका उसके सामने दूसरी फाइल रखते हुए बोलती है, सर यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ थोड़ा बताएंगे? अर्जुन अपने चेयर से खड़े होते हुए दूसरी तरफ रखे सोफे पर बैठते हुए अनिका को बैठने का इशारा करता है, बैठो और दिखाओ कहाँ से समझ नहीं आ रहा है। अनिका उससे थोड़ा दूर होकर बैठते हुए बोलती है, सर वो यहाँ से। अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे उसे समझाने लगता है, पर अनिका को नींद आने लगती है। अर्जुन का सारा ध्यान बस फाइल में था। अचानक उसको अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। वो चेहरा घुमाकर देखता है तो अनिका उसके कंधे पर सिर टिकाकर सो गई थी और अर्जुन के बेहद करीब थी। अर्जुन की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती है। आज पहली बार ध्यान से देखा था उसने अनिका को, जो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। जल्दी ही अर्जुन अपना चेहरा फेर लेता है और सामने रखे पानी के गिलास से कुछ बूंदे उसके चेहरे पर मारता है। अनिका हड़बड़ा जाती है और चौंक कर उठ जाती है। उसकी नज़रें अर्जुन पर जाती है, जो गुस्से से उसे घूर रहा था, वो भी बहुत गुस्से से, और वो बोलता है, सोने आती हो तुम यहाँ पर? अनिका मन में बोलती है, मतलब मैं सो गई थी, ओ गॉड, अब तो मैं गई काम से। अनिका एकदम से खड़ी हो गई थी, पर वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन बोलता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, ये क्या तरीका है केयरलेस कहीं की, ऐसे कहीं भी सो जाओगी तुम, किसी के भी कंधे में? ऐसे बोलते बोलते वो रुक जाता है। अनिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में बोलती है, ओह मैं सड़ू के कंधे पर, हे भगवान, हमेशा मैं ही मिलती हूँ आपको। अर्जुन उसको एक टक देखते हुए बोलता है, गेट आउट। अनिका फटाफट से बाहर चली जाती है और लंच टाइम हो गया था। वो अपना सर पकड़कर अपने डेस्क पर बैठी थी। ठीक उसके सामने गौरव का ऑफिस था, जहाँ से गौरव उसको देख सकता था, पर अनिका उसे नहीं देख सकती थी। और इस वक्त भी गौरव उसे ही देख रहा था और वो मन में सोच रहा था, इसका चेहरा क्यों उतरा है, लगता है फिर भाई से डांट खा कर आई है, चलो जाकर देखता हूँ। वो उठकर अनिका के पास जाते हुए बोलता है, क्या हुआ, लंच नहीं करना क्या? अनिका चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर उदासी से बोलती है, भूख नहीं है, मेरा पेट तो डांट खाकर ही भर गया। गौरव बोलता है, मतलब फिर से भाई ने डांटा क्या? अनिका हाँ बोलती है, पर इस बार गलती मेरी ही थी। गौरव एक चेयर खिसकाकर उसके पास बैठते हुए बोलता है, ऐसा भी क्या किया तुमने? अनिका बोलती है, वो मैं सर के कंधे। फिर उसे ध्यान आता है कि वो क्या बोलने जा रही है, फिर बात बदलते हुए बोलती है, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम में ध्यान लग रहा है या नहीं? गौरव हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर अनिका उसकी तरफ देखकर बोलती है, कॉफ़ी पियोगे मेरे साथ? तभी अर्जुन अपने कैबिन से बाहर आता है और गौरव की बात सुन लेता है। उसका ध्यान दोनों पर जाता है। दोनों को एक नज़र देखकर वो आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि इन चारों की ज़िंदगी में प्यार की शुरुआत कैसे होने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।